क्वेश्चन नंबर थ्री, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट और स्पीड दोनों कांस्टेंट. तो मान लेते हैं कि इस लाइन के अलावा कोई पार्टिकल है जो कि जा रहा है ऐसे. अब क्या लिखा हुआ है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑलवेज जीरो होगा. ऑलवेज जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, पहली बात तो ये ऑलवेज जीरो विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोल रहा है कि आज जीरो है, कल जीरो है, परसों जीरो है. नहीं, यहाँ पर देखो बाकी ऑप्शंस को देख के समझ में आएगा कि यहाँ पर टाइम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है. यानी कि क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो रहे एंगुलर मोमेंटम? नहीं, केवल जो एक्सेस में यहाँ पर लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी जो है उसके अलॉन्ग जो जो पॉइंट रहेंगे उन सारे पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा. परंतु मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? साफ साफ दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना. तो मान लो मैं लाइन के आउटसाइड यहाँ पर इस पॉइंट को ओ मान लिया. अब मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर है और जो आर वेक्टर है वो ऐसा है. आर क्रॉस पी जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा. इनफैक्ट कोई सा भी पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है उन सभी पॉइंट्स के लिए एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो हो. ठीक है, तो इज ऑलवेज जीरो वाली बात तो गलत हो गई. और चलो ठीक है, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में भी देखूं, ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है अभी. अच्छा चलो ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में मैं बाद में बात करूंगा, एक मिनट रुकते हैं अभी. ठीक है, अपन इसको डी पॉइंट के अबाउट, डी पॉइंट में डिस्कस करें. पहले बी में देखो, इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन. ये बात बिल्कुल सही है. अभी अपन बात की जिस लाइन में मूव कर रही है वाली लाइन, उसके किसी भी पॉइंट में एंगुलर मोमेंट, उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो ये सही हो गया. इज नॉट जीरो अबाउट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. इसी चीज की बात अपन ये ऑप्शन में कर चुके हैं, तो ये भी सही हो गया, नहीं हो गया. अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आर क्रॉस पी से. अब भाई आर क्रॉस पी की वैल्यू क्या निकालोगे, आर पी साइन थीटा. और अगर किसी ने रोटेशन थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो आर साइन थीटा होता है इंटू पी, ये आर साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट ही है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इनफैक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अबाउट एनी गिवन पॉइंट. तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही हो गया, परंतु मैं बोल रहा था कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ऑप्शन ए. भाई अपन ये देख रहे हैं ना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है. तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज करें यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो हमेशा जीरो रहेगा, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो है तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा. ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए को मैं टाइम के टर्म्स में सोचूं तो ये तो पॉइंट ही गलत है भाई, इट मेक्स नो सेंस. ठीक है, तो इसकी फिर मतलब समझो ना, मतलब इट इज ऑलवेज जीरो विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, ये उस ऑप्शन में लिखना चाह रहा है मेरे हिसाब से. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बोलता तो ऐसे बोलता, उसको बोलना पड़ता कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो वो हमेशा जीरो रहेगा. ठीक है, लेकिन फिर तो वो पॉइंट नंबर डी रिपीट हो जाता है. आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, बट एनी वे ए ऑप्शन अपन को गलत तो दिखाई दे ही रहा है. ठीक है,